नमस्कार आपका स्वागत है कलयुग के अंत में क्या होगा आखिर कैसे होगा कलयुग का अंत कलुग के अंत में मनुष्य किस प्रकार से जीवन व्यतीत करेगा और उसकी आयु कितनी शेष रह जाएगी आज के वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित कलयुग के अंत के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में चार युगों का वर्णन मिलता है सबसे पहला है सतयुग उसके बाद त्रेता युग फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग वर्तमान में हम कलयुग में जीवन व्यतीत कर रहे हैं सभी युगों में कलयुग को ही अत्यंत भयंकर बताया गया है भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में पाप अंतिम चरम पर होगा और पृथ्वी से धर्म का नाश हो जाएगा सभी प्राचीन पुराणों में कल के अवतार का वर्णन मिलता है कहा गया कि जब पृथ्वी पर पाप उसके अंतिम चरम पर होगा तभी भगवान विष्णु कल के अवतार लेंगे और पृथ्वी से अधर्म का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे इसी के चलते आज हम आपको बताएंगे ऐसे लक्षण जिन्हें देखकर कलयुग के अंत का अंदाजा लगाया जा सकता है आजकल जो हो रहा है उससे आप समझ ही जाएंगे कि कलयुग का अंत अब निकट है कलयुग से जुड़ी सभी जानकारी श्रीमद महापुराण में मिलती है इसमें कलयुग के अंत के लक्षणों से लेकर कल के अवतार के रंग रूप तथा उनके अस्त्र शस्त्रों की जानकारी दी गई है कलयुग के अंत में जो लक्षण दिखाई देंगे वे बहुत ही असामान्य होंगे और इसी कारण पृथ्वी पर पाप उसके अंतिम चरम पर होगा उसके बाद भगवान कल अवतार लेकर सब कुछ समाप्त कर देंगे आइए आपको बताते हैं श्रीमद भागवत पुराण में बताए गए कलयुग के संकेतों के बारे में दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करे और उस बेल आइकन को दबा नोटिफिकेशन ऑल जरूर करे ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके पहला संकेत मनुष्य प्रजाति हर समय भूख प्यास और अलग अलग प्रकार की चिंताओं से घिरे रहेंगे मनुष्य के शरीर को कई तरह के रोग लग जाएंगे वह किसी पिशाच की तरह दिखने लगेगा और उसकी उम्र केवल 20 से 30 वर्ष ही शेष रह जाएगी दूसरा संकेत हमारी पृथ्वी पर मौजूद तमाम नदियां सूख जाएंगी और हमारी सृष्टि से पीने योग्य पानी समाप्त हो जाएगा और पूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा अकाल के कारण सभी जंगल भी सूख जाएंगे और खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा तभी मानव पशुओं का मांस खाकर उन्हें भी समाप्त कर देंगे तीसरा संकेत मनुष्य में संस्कार देखने को नहीं मिलेगा पति पत्नी एक दूसरे को छोड़कर अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगेंगे स्त्री और पुरुष बिना शादी के ही एक साथ रहने लगेंगे स्त्री स्त्री के साथ संबंध बनाएगी और पुरुष पुरुष के साथ संबंध बनाएंगे ऐसे में रिश्तों की कोई सीमा नहीं बचेगी बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देंगे और वैश्यावृत्ति अपने चरम सीमा पर होगी चौथा संकेत तीर्थ स्थलों में धर्म व पवित्रता की जगह अधर्म और अपवित्रता की बात होने लगेगी वह देव पूजा पाठ होने की जगह गलत काम होने लगेंगे सभी तीर्थ स्थल पैसे कमाने के संस्थानों में बदल जाएंगे पांचवा संकेत लोग अपनी छोटी इच्छाओं के लिए बेमानी व हत्या जैसे अपराध करेंगे इंसान के जीवन की कोई कीमत नहीं रहेगी हर कोई धन व संपत्ति कमाने के लिए अधर्म का रास्ता चुनेगा और वैश्यावर्ती बलात्कार जैसी घटनाएं अधिक बढ़ने लगेंगी छठा संकेत हर तरफ धर्म के रूप में अधर्म की पूजा की जाएगी खुद की इच्छा को पूर्ण करना ही सबसे बड़ा धर्म माना जाएगा कलयुग के अंत में धर्म को मानने वाले लोग समाप्त तो हो जाएंगे और हर कोई नास्तिकता का पालन करने लगेगा इनमें से अधिकतर बातें आज के समय में दिखाई देती है लेकिन दोस्तों कलयुग आने में अभी कुछ समय बाकी है तो फिर सोचिए कलयुग का अंत आने तक हमारी दुनिया कैसी होगी तो दोस्तों क्या आपको भी लगता है कलयुग का अंत अभी निकट है तो हमें कमेंट में जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जय श्री कृष्ण